हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र किए ऑनलाइन। 27 जुलाई से 23 अगस्त तक आयोजित होगी डीएलएड की परीक्षा, बोर्ड अध्यक्ष। प्रदेश भर में 73 परीक्षा केंद्रों पर 32,840 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं, 10वीं और डीएलएड की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके एडमिट कार्ड लाइव कर रहा है। सेकेंडरी की जो परीक्षा है वो 27 तारीख से शुरू होगी। सीनियर सेकेंडरी की एक दिवसीय परीक्षा ना वो 26 तारीख को होगी और इस तरह से साथ में ही डीएलएड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। इन परीक्षाओं में 12वीं के अंदर कुल 37,160 कैंडिडेट अपियर होंगी और 10वीं में 38,504 कैंडिडेट अपियर होंगी और हमने कुल मिलाकर 162 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। और इस तरह से जो है इन 162 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं दी जाएंगी। ये अभी है और जो परीक्षाओं का समय रहेगा वो दोपहर में 2 से 5 बजे तक रहेगा और साथ में ही इससे पहले कोई अगर त्रुटि रह गई है तो विद्यार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से पहले बोर्ड में आकर अपने जो प्रवेश पत्र है उसके अंदर शुद्धि करवा सकते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए और उसके बाद किसी तरह की त्रुटि के लिए कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। जिन विषयों को विद्यार्थियों को लेखक की आवश्यकता है वो अपने सत्यापित प्रमाण पत्र लेकर सेंटर में भी पहुंच सकते हैं, वहां पर उनको जो है लेखक मिल जाएगा। और इन सभी परीक्षाओं केंद्र के रोकने के लिए 28 प्रभावी उड़न दस्ते बनाए गए हैं, ये रहेगा। और जो किसी को अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाकर जो हमने नंबर दिए हैं 01664 25 4300 और 25 4309 इन नंबरों के ऊपर संपर्क कर सकता है। सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो परीक्षाएं जो है निश्चिंत होकर आराम से दें और किसी तरह की किसी असुविधा अगर हो तो तुरंत वो अपने जो हमारे कंट्रोल सेंटर हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। क्या अपने लिख के कर दें 26 जुलाई को 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा वन डे परीक्षा है वो 26 को होगी और 10वीं की परीक्षा वह 27 जुलाई से शुरू हो जाएंगी और साथ में डीएलएड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। 162 केंद्र बनाए गए हैं, टोटल परीक्षा केंद्र हैं। वहाँ सिचुएशन तो वैसी ही, सेंटर में कुछ बदलाव करने चाहिए, फिर कुछ राहत देनी चाहिए। ज़्यादातर हमारे सेंटर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हैं और वहाँ पर क्योंकि शहर के बाहर अंदर पानी नहीं भरा इस टाइम पर और उन परीक्षा केंद्रों को हमने जांच कर लिया है, वहाँ पर पहुँचने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इनको हफ्ता 10 दिन के लिए डिले कर दिया था और अब सही समय पर दोबारा हमें इसको शुरू कर रहे हैं। 44 हमेशा लगती है जब भी परीक्षाएं शुरू होती हैं तो इस बार भी पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पत्र लिख दिया गया है कि धारा 144 हर सेंटर के आसपास लागू रहेगी। शिक्षा बोर्ड भिवानी की जुलाई 2023 की परीक्षाएं 26 जुलाई से शुरू हो रही हैं तो इसके दौरान मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि एक तो वो अपना आधार कार्ड जिसमें अपडेट फ़ोटो है नवीनतम फ़ोटो के साथ ले आएँ और दूसरा बच्चों से ये निर्देश है कि शर्त है कि परीक्षा आरंभ होने के बाद किसी भी बच्चे के फ़ोटो और सिग्नेचर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर किसी बच्चे का फ़ोटो या सिग्नेचर गलत है एडमिट कार्ड पर तो सभी बच्चे परीक्षा आरंभ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में आकर उसको दुरुस्त करवा लें। मैं कहूँगा कि सभी बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से करें और किसी तरह की परीक्षाओं के तनाव न लें और हमारी शुभकामनाएँ सभी बच्चों के साथ है और हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।